स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की एक और वीडियो है हमारी। आज का बड़ा अच्छा टॉपिक है जीरो सेमेस्टर की क्लासेस और उसके बारे में मुकम्मल तफसील वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो करवाया जाता है। और ये जीरो जो सेमेस्टर होता है वो लोग करते हैं जिनके एफएससी में इंटर में 45% से कम नंबर होते हैं, वो दाखला लेने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फिर जीरो सेमेस्टर लगाते हैं। और जीरो सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है, किस तरह वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं ताकि आगे वो बीएस के कुछ प्रोग्राम्स और एडीबी के कुछ प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकें। क्योंकि चूंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 45% है एडमिशन्स के लिए, जिनके लेस होंगे 45% तो वो फिर जीरो लगाते हैं। और जीरो में उन्होंने क्या पढ़ना है इसके ऊपर सारी बात करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो आने वाली है वो आप तक पहुंचती रहे और आपका उसमें फायदा होता रहे। चलते हैं जरा वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है, वो स्टूडेंट्स जो जीरो सेमेस्टर के हैं, और उनको सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपके LMS के ऊपर शो होंगे। कोई कोर्स सिलेक्शन वगैरह उनको नहीं करनी, जो प्री सिलेक्टेड 3 कोर्सेज हैं वो उन्होंने पढ़ने हैं, जिसमें एक तो है CS001 वीयू कंप्यूटर प्रोफेंसी, ये कंप्यूटर से मुतल्लिक है, में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये बहुत ही आसान किस्म की चीज़ें हैं जो इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, इतनी आसान होती हैं कि बहुत ही हर कोई कर सकता है। इंग्लिश 001 है, ये भी बेसिक इंग्लिश है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा कि इसमें असल में होता क्या है। और उसके बाद MTH जो 001 है ये मैथ है, एलिमेंट्री मैथ है, ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर और बाकी ये सारे के सारे सब्जेक्ट इजीली हो जाते हैं। अब क्लासें कैसे देखनी है, क्लासों देखने के लिए यहाँ पे नंबर शो हो रहा है हमारे पास, 1 है, 4 है, 4 है इस तरह। अब हम CS001 की जो अगर लेसन देखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके नाम को क्लिक करते हैं और नाम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 6 मॉड्यूल मिलेंगे जो आपने यहाँ पे देख, तो मॉड्यूल 1 को क्लिक करते हैं और मॉड्यूल 1 में आपको मिलेगी रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी चीजें, तो ये रीडिंग कंटेंट है, ये आपने पढ़ने। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये एक लिंक भी दिया गया है cpl.vuedu.in, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रेस स्पेस बार टू कंटिन्यू। ये CPL की एक वीडियो है 16 मिनट की और यहाँ पे आपको मुकम्मल उन्होंने चीजें बताई गई हैं, होम इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं जिसमें कीबोर्ड और अदर डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हैं, स्टोरेज किसे कहते हैं, सिक्योरिटी आउटपुट इंटरनेट, ये सारी की सारी चीजें आपको मॉड्यूल 1 में CPL 101 इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप इसको प्ले करेंगे और यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि हमारे तो यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, तो यहाँ रीडिंग कंटेंट है और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इस लिंक में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप तसल्ली से सुने, आपको पता चले कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके बाद हार्डवेयर्स क्या हैं, हार्डवेयर्स के बाद इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है या अदर डिवाइसेस हैं क्या होती हैं, सारी आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जानी चाहिए और ये सारी की सारी आपको मिलेंगी यहाँ पे। अब प्री असेसमेंट भी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद क्लिक करके देख लेते हैं। ए कीबोर्ड इज एन, कीबोर्ड क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस, ओके हो गया, ठीक है, ये आंसर ठीक था। यहाँ पे टाइम चल रहा है आपका, तो उसके बाद वो नेक्स्ट आ जाता है। आई यूज लेफ्ट एरो कीज टू गो टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ये कीबोर्ड के साथ चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरह आप ये करते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे और हर टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर होता जाएगा। यही है आपका पहला मॉड्यूल और जैसे जैसे मॉड्यूल अगले आते जाएंगे आप क्लियर करते जाएं ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ जाएं। अनाउंसमेंट्स आपने लाजमी पढ़नी है, हर सब्जेक्ट जो टीचर यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहेगा वो हमेशा अनाउंस। अब आ जाएं जरा इंग्लिश में के लेक्चर्स कैसे लें, ये इसमें भी वीक वाइज हैं चीजें, और पहले वीक में कितने हैं, 2 लेसन हैं, दूसरे वीक में भी 2 लेसन हैं, ठीक है। इसी तरह आपने वीक वाइज यहाँ से लेसन लेने हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करना। यहाँ देखें वीडियोज है आपको मिल जाएगी, वीडियोज के बाद एक रीडिंग टैब्स है और जो इस वीडियो में बताया गया था वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल आपको मिल जाएगी और ये सारी की सारी चीजें। तो इस तरह आप इसके जो हैंडआउट्स है वो भी देखें, वीडियोस को देखें, अच्छी तरह अपने कंसेप्ट क्लियर करें और इन्हीं में से ही क्वेश्चन बने। अब आ जाए जरा जो
वीयू का 00, एमटीएच 001 है, मैथमेटिक के ऊपर देखते हैं कि वो आप तरह ये याद रखिएगा कि ये लेक्चर जो है ना, ये आप शब्द बनाएंगे आपके पेपर्स के लिए जो एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आपको आने। असल में जो वीयू 001 का मतलब होता है कि आपको इंग्लिश बेस्ड कंसेप्ट थोड़े से क्लियर कर दिए जाते हैं, तो बाकी इस कल तो उसके बाद मैथ की तरफ अगर आ जाए तो उसके लेक्चर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपने नाम को क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे आपके वीडियो लेस पूरे जितने लेसन हैं आपके पूरे सेमेस्टर के टोटल 32 हैं इसमें लेस, तो 16 जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो मिड आ जाएगा और उसके बाद आप 9वें लेसन के बाद आपकी कसरी आ जाएगी। अभी चल रहा है आपका 8 दूसरा, यानी हफ्ते में ये 2 लेसन आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत थोड़ा सा वर्क है आपके लिए। इस तरह आप वीडियो देखना चाहेंगे तो इसी तरह उसके नाम को क्लिक करेंगे और वीडियो आपकी आप ये क्लोज जो लिखा है ना, ये एमडीबी का क्लोज हो चुका है, यानी इसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोई भी टीचर जो ओपन है उसमें क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और जो भी आपको सुनने के बाद उस लेक्चर में समझ नहीं आती वो आप आसानी के साथ पूछ। इस तरह ही आप लेक्चर देख लेंगे और मैं आपको बता दूं कि आपको पास होने के लिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पास करने हैं और आपकी जो सीजीपी है वो 2.0 से लेस नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए। यानी आपकी जो सीजीपीए है 2.0 आपकी सीजीपी होनी चाहिए और आपके सारे के सारे सब्जेक्ट पास। क्या ऐसा नहीं होगा कि खुदा नखास्ता एक फेल हो जाए और बाकी में आपकी सीजीपी 2.0 हो जाए, तो ऐसा नहीं। सारे के सारे आपको तीनों ही पास करने हैं और तीनों में से ही मिला के आपकी कम से कम 2.0 यानी 2 से प्लस होगी तो आप नेक्स्ट जो भी आपने प्लान किया हुआ है आप उसमें से एडमिशन ले सकते हो, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे लेसन अच्छी तरह सुने, इसकी जो हैंडआउट्स हैं वो आप डाउनलोड करके देख ताकि आप अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर, कोई भी असाइनमेंट और क्विज मिस नहीं करें आप। तो इस तरह बिल्कुल आसानी के साथ आप अपना जीरोस क्लियर कर लेंगे। और असल में स्टूडेंट मैंने देखा है कि इसमें फेल भी हो जाते हैं और फेल होने की असल वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स के बिल्कुल ही ये आसान से सब्जेक्ट हैं। आसान सब्जेक्ट भी जाहिर है पढ़े बिना तो आपको उसका नॉलेज नहीं आएगा, तो पढ़ना ज़रूरी है इसमें। और कोशिश करें ना जो सिलेबस है वो साथ साथ कवर करते जाएं ताकि एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना आए और इस तरह इंशाल्लाह आपका जो ये जीरो सेमेस्टर है आसानी से क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही ओपन होंगे तो आप है ना ले सकेंगे नेक्स्ट जो भी आपने प्लान किया हुआ है ADP या BS के कुछ प्रोग्राम्स हैं उनमें जो भी आप जाना चाहेंगे वो आप एडमिशन ले। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से करते जाएं और पास करते जाएं जो भी आपकी एक्टिविटीज। अब आ जाएं, अगर आपने इनके हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं तो आप नाम को क्लिक करना है। नाम को क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको इनके हैंडआउट्स, वो जैसे ही पेज ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं एंड तक जो मैं बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको जीरो के हवाले से आप जो कंसेप्ट हैं क्लियर होते जाएंगे। तब ये ओपन होता है पेज, एक चीज मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे जो असाइनमेंट डीबी और क्विज ये तीनों जो आनी है इसके आपको मार्क्स, और उसके लिए तैयार रहिएगा। थर्ड से फोर्थ वीक में ये सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी और ये जो पास करने के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। अब मैंने क्लिक किया था उसके नाम को, जो पेज ओपन हुआ उसमें आप डाउनलोड फाइल के अंदर आपको CS001 कोर्स हैंडआउट जाएंगे, तो आप क्लिक कीजिए डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सैंपल पेपर भी दिया हुआ है, वो भी आप फाइल जैसे डाउनलोड हो जाती है तो हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद वापस हम जाके जरा इसके ऊपर बात कर लें, असाइनमेंट आपने किस तरह बनानी है और कितनी जरूरी है। ये 25% तक के नंबर जो है ना वो असाइनमेंट के होते हैं, तो यूं समझ लें कि बड़ा पोर्शन है नंबर हासिल करने के लिए। और तसल्ली से सोच समझ के आपने असाइनमेंट बनाने के लिए हम गाइडलाइन आपके ऊपर अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। वो भी आप क्विज आपने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं, वो भी ऑनलाइन हो, और जो GDBs हैं उसके भी 5 नंबर होते हैं और वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट, आप उसको देख। तो इसी तरह आपने अपने LMS को अच्छी तरह समझ लेना है, जो भी चीजें अनाउंसमेंट्स वगैरह आ रही हैं आप रीड करें और सारी एक्वाइज पे जा रहे हैं को आप कंप्लीट करते जाए। तो जिसकी भी असाइनमेंट आपको आती है असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन होंगे आपने उनको डाउनलोड कर लेना, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जैसे आएंगी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोज बना देंगे। लेकिन जो बेसिक वो याद रखेंगे आपको हर हाल में ये पास करना है तभी आप अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले सकेंगे। और पास करने के लिए यही चीजें जरूरी है कि आप इनके लेक्चर्स देखें, हैंडआउट्स पढ़ें। हैंडआउट्स मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड करने के लिए वही तरीका है कि सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करें और नाम को जैसे ही क्लिक करेंगे उसके अंदर जैसे ये CS001 का हो रहा है, उसके बाद इंग्लिश का हम करते हैं और जैसे ही उसके नाम को क्लिक किया अगले पेज के ऊपर हमारे डाउनलोड फाइल्स और डाउनलोड फाइल्स के अंदर 1 की हैंडआउट्स, उसके साथ हैंडआउट
हैंडआउट्स का वर्ड लाजमी लिखा होता है, हैंडआउट्स इंग्लिश 001 PDF, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसी तरह आप मैथ की डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइल हमारे पास आ गई है और ये वही सारा कुछ है जो आपको समझाया गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, बड़ा आसान सा ये जीरो सेमेस्टर होता है, तो आपको क्लियर कर सकेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे और इसी सूरत में है कि साथ साथ चीज़ें करते जाएं। तो ये था तो आपका जीरो सेमेस्टर, फीस जो है ना आपकी तकरीबन 4600 रुपये मजीद आनी है, 4650 तकरीबन, और साथ में एक फंड का 500 रुपये आ सकता है, सोसाइटी फंड, ठीक है। तो ये इतनी सी फीस के साथ आपने पढ़ना है और उसके बाद आपको कुछ भी पूछना हो हर वीडियो में, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है, हर वीडियो में डाला हुआ है नंबर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, ये देखें व्हाट्सएप है, मुझे आप पूछ लीजिएगा कुछ भी पूछना हो, इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और बाकी रहेगी बात ये 001 वाली, तो मेरे समझ आ गई होंगी आपको, इसमें कोई ऐसी खास बात है जो मुश्किल लगे, बाकियों की तरह LMS है जैसे बाकी कर रहे हैं, और उसी तरह ही आपका मिड टर्म होना है, फाइनल टर्म होना, और उसी तरह ही आपका जो है बाकी सारी चीज़ें चलनी है। लेकिन फर्क ये है कि आप आसान है और यहाँ पे मैंने खोला है आपका स्कीम, फाइनल टर्म पेपर होगा वो 60% आपका शामिल होगा, 5% की GDP है, 10 असाइनमेंट है, 5 क्विजेज हैं और 20 की आपका मिड टर्म, सर आपने मिला के नंबर हासिल करने हैं। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये बड़ा आपके हाथ में दिया हुआ यूनिवर्सिटी, आप हिसाब भी आप करनी है, तो जितने अच्छे नंबर आप ले लेंगे ये 20% आपका यहाँ पे ही बन सकता है। तो टोटल आपको 50% चाहिए होता है ओवरऑल, 20 अगर आप यहाँ से ले लेते हैं तो बाकी फिर 30% कोई लेना, और यहाँ से आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, फोकस करें साथ साथ साल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपको मसला हो इस हवाले से वो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस बनाएं आपके लिए वो आपकी रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।